तो सब तुम्हारा गोर न्यू फिल्म में आज वीडियो में काफी कमाल की होने वाली। आज वीडियो में काफी ज्यादा तगड़े तगड़े चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि फ्री फायर मैक्स अब बैन होने वाली है और बीजेएमआई लाइट का क्या सीन है, पबजी लाइट न्यू अपडेट, मतलब सबके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज वाली वीडियो तो पूरी देखना क्योंकि आज वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। और हाँ, सेकंड चैनल पर कल काफी ज्यादा कमाल की लीक्स आने वाली, तो सब्सक्राइब कर लो। और कल तुम्हारे भाई का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। कहो ये कोई बात है? अरे बस किसी को पता ना लगे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना बहुत छीटूंगा मैं। वो सब बात साइड में हटाओ यार। तो वीडियो के ऊपर बात करते हो तो देखो यार, बात आप लोगों को पता ही होगा कि भाई फ्री फायर मैक्स बैन होने वाली है, क्योंकि यार फ्री फायर तो बैन हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को मतलब कि यार मान नहीं रहते। अब देखो बात कुछ ऐसी है, गवर्नमेंट ने टैक्स के मतलब कि जितने भी पॉपुलर गेम है ना, मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी तगड़े तगड़े गेम है उनको कहा कि भैया 14% हमको टैक्स पे करो, 14 से 15%। और ये सिर्फ फ्री फायर को नहीं कहा, सबको कहा और सब कर भी रही। जैसे बीजेएमआई भाई इंडिया में उनका खुद का सेटअप भी है और इंडिया में बीजेएमआई तुम लोगों को तो पता ही होगा कितना ज़्यादा और सब मतलब सब कुछ को फॉलो कर रहा है, लेकिन फ्री फायर टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि होंगे वो तो मुझको नहीं पता अभी। और हो सकता है यार अगर ना हुआ ना तो गेम को बैन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपनी क्रश के लिए डेयरी मिल्क का चॉकलेट भी खरीदते हो ना उसमें भी भैया टैक्स लगता है। तो 14 से 15% ना भाई टैक्स कोई मामूली बात नहीं है, एक बड़ी गेम के लिए ना हद से ज़्यादा हो जाता है 14 से 15% टैक्स पे करना। और देखो कुछ बात ऐसी है, आप लोग तो पता होगा भाई एपेक्स लेजेंड मोबाइल जो कि हद से ज़्यादा तगड़ी गेम है पीसी में, तो वो मोबाइल पर आ चुके, तो इनको पता यार कि और भी बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े चीज़ है। और हाँ तुम लोगों को तो पता होगा अगर ज़्यादा ही मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो कोई भी कंपनी होगी ना, चाहे कितनी से कितनी बड़ी भी कंपनी हो, वो ना एक बार सोचेगी कि भाई अगर हम देखो कंपनी ये नहीं सोचती कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कंपनी ये सोचती कि भैया फ्यूचर में क्या चलने वाला है। क्योंकि तुम लोग खुद ही बताओ इतने तगड़े तगड़े गेम अभी लॉन्च हो रहे हैं और एक और गेम है बहुत पॉपुलर है वो भी आने वाला है। तो देखो बात कुछ ऐसी है, उनको ना सब कुछ देखना पड़ता है। कोई कहेगा यार 14 से 15% ही तो यार टैक्स पे कर देगा, उतना तो रिवेन्यू जनरेट हो ही जाएगा उनसे। अब वो उस गेम पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितना कमा के कितना टैक्स पे कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इंडिया में तो बैन होना ही पड़ेगा, खचपंती करोगे तो बैन हो गई होगे, मेरी मानो तो टैक्स पे करो। तो अगर आप लोग एपेक्स मोबाइल लेजेंड कहते हैं ना जो भी कहते हो यार, तो उसमें देखो लाइट स्पीड लिखा आता है जब आप लोग गेम को ओपन करते हो। ये सेम बहुत टाइम पहले ना अगर आप लोग पबजी लाइट को खेलते थे, मतलब यार बैन से पहले खेलते थे, कैसी बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग तो खेलते ही होगे, यहाँ हलवा तो बट नहीं रहा कि बाद में आओ, तो उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा आता था। अब देखो इसी वजह से ना चाइनीज़ का कुछ लिंक है, इसी वजह से बैन हुआ होगा। तो भैया जब बैन हो गया चाइनीज़ है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और यार इंडिया से इनका कुछ लेना देना है तो ये लोग बीजेएमआई लाइट के ऊपर क्यों नहीं कर रहे, पबजी लाइट को क्यों नहीं वापस ला रहे? मेरे को लगता है एस्ट्रॉल के या आरपीजी से ठीले होंगे इनके डेवलपर, तभी इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो बात रही यार कि गेम अनबैन कराने की, तो गेम अनबैन कराने के बिना बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इतनी बड़ी गेम में इनका हाथ है इस लाइट स्पीड का, तो हो सकता है यार पबजी लाइट को ये लोग अनबैन कर दे या फिर बीजेएमआई लाइट के ऊपर ना। अब बीजेएमआई लाइट के ऊपर बात करूँ तो आप लोग तो पता होगा जो बीजेएमआई ना वो भाई साहब सब कुछ सोचती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को तो पता ही होगा फ्री फायर बैन हो चुकी है और अगर फ्री फायर मैक्स भी बैन होती है ना तो इसके पास इतना तगड़ा मौका है ना बीजेएमआई के पास कि भैया अगर ये लोग अभी गेम लॉन्च करते हैं ना भैंस की डंडी, अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि आप लोग को तो पता होगा जितने भी गेम है ना, गेम करो यार, जितने भी फ्री फायर के बंदे हैं वो सारे के सारे बीजेएमआई लाइट पर शिफ्ट करेंगे, मतलब सारे तो नहीं फिर भी 50 से 60% बंदे करेंगे। और आप लोग तो पता होगा पबजी लाइट को क्यों बनाया गया है, अगर कुछ बंदे बहुत पुराने टाइम से खेलते हो तो पबजी लाइट को इसलिए बनाया गया था ताकि वो फ्री फायर से टक्कर ले सके। तो ठीक है, तो आप लोग तो पता होगा अगर ये बैन कर देते हैं ना तो ये लोग मेरे को लगता है 100% ना भाई पबजी मतलब बीजेएमआई लाइट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लाने को क्या है, मतलब बीजेएमआई को सीधा लॉन्च मारेंगे। अब तक भैया कोई काम नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, और अभी भी जितनी भी न्यूज़ मिल रही है ना रिलीज डेट का दू लेसन वो सब एक एक्सपेक्टेड डेट है, अभी भैया ट्रेलर तक नहीं आया बे, अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, तुम लोग पहले ही बता दो रिलीज डेट। मतलब भैंस की डंडी दिमाग का भरोसा कर रखा है इन लोगों ने, इतना तो मैं अपनी क्रश से परेशान हूँ जितना मैं कुछ बंदों से परेशान हूँ। डेली के डेली इनके चैनल पर बीजेएमआई लाइट के वीडियो आते हैं, मेरे चैनल उठा के देख लो काफ़ी मतलब कि हद से ज़्यादा टाइम हो चुका है, हद से ज़्यादा टाइम अब तक कोई भी बीजेएमआई लाइट के ऊपर वीडियो नहीं आई है, क्योंकि यार जब तक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैं ऐसे वीडियो फालतू के बनाते हैं बीजेएमआई लाइट के ऊपर। और मुझे पता है इसमें कोई ऑफिशियल लीक्स वगैरह नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा तगड़ी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि यार बीजेएमआई लाइट भी जल्दी लॉन्च कर दे ये लोग, क्योंकि मैं उसका काफी ज्यादा टाइम से इंतजार कर रहा हूं यार, तो कर देना या फिर पबजी लाइट को ही अनबैन कर दो भाई, क्या कर रहे हो यार। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पर तो यार सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं व्यूअर्स से।
bye-bye. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah.